डंडई प्रखंड मुख्यालय स्थित सृजन पब्लिक स्कूल डंडई की दूसरी शाखा सृजन पब्लिक स्कूल डोल में वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित पारदर्शिता के साथ किया गया, जिसके अनुसार विद्यालय के शैक्षणिक स्तर बहुत ही अच्छा साबित हुआ, जिसमें कक्षा नर्सरी में रिया कुमारी, दीपक कुमार, मनीषा कुमारी, कक्षा LKG में संत कुमार, सूरज कुमार, रंजीत कुमार, कक्षा UKG में कुंदन कुमार, अंकुश कुमार, संजीत कुमार एवं पहली कक्षा में संतोष कुमार, हिमांशु कुमार, संदेश कुमार, दूसरी कक्षा में आर्यन कुमार, बलवंत कुमार, काजल कुमारी, तीसरी कक्षा में रोहित कुमार, सुमंत कुमार, प्रिंस कुमार, चौथी कक्षा में विक्की कुमार, शिवम कुमार, वर्षा कुमारी, पांचवी कक्षा में सत्यम कुमार, ब्रिजेश कुमार, संजय कुमार तथा सातवीं आठवीं में प्रिंस कुमार, अभिषेक कुमार, रंजीत कुमार ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया। बच्चों को हौसला बढ़ाते हुए विद्यालय के निदेशक ऋषिराज कुमार ने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर प्रयास कर अपने माता पिता व विद्यालय के नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया तथा विद्यालय के प्राचार्य चंद्रभूषण मेहता ने भी बच्चों को शाबाशी देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की है। वहीं विद्यालय में अध्ययन काल में सबसे अच्छा गतिविधि प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर के रूप में विद्यालय के प्राचार्य चंद्रभूषण मेहता के द्वारा मेडल देकर उनका हौसला बढ़ाया गया, जिसमें प्रिंस कुमार एवं सूरज मानी कुमारी का नाम शामिल है। साथ ही विद्यालय के कार्यकाल की अवधि में सबसे अच्छा कर्तव्य निर्वाहन करने वाले शिक्षक कुंदन पालहे एवं गुंजा कुमारी को भी विद्यालय के निदेशक ऋषि राजकुमार के द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक कुंदन कुमार, अरुण कुमार, तारकेश्वर कुमार, अजित कुमार, मानकी चंद लाल, भरत कुमार, शिक्षिका रानी कुमारी, प्रतिमा कुमारी, गुंजा कुमारी, रेखा कुमारी आदि के साथ अन्य लोगों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य का कामना की है। मैं चंद्रभूषण मेहता, प्रधानाध्यापक सृजन पब्लिक स्कूल डोल। बीते बुधवार को मेरे विद्यालय में श्री ऋषिराज कुमार, जो कि मेरे विद्यालय के प्रबंधक भी हैं, उनके अध्यक्षता में हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों का परीक्षाफल घोषित किया गया तथा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अव्वल आए छात्र छात्राओं को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया। और वहीं विद्यालय में स्थापना के बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मोमेंटम देकर के सम्मानित किया गया और आगे भी इसी तरह का विद्यालय परिवार काम करते रहेगी। धन्यवाद। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।